સુરતના ઉમરા સ્થિત ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં બાલાજી ગ્રુપ ઓફ ટ્યુશન અને તેની પૂરી ટીમ અને વિદ્યાર્થીઓએ દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ક્રિસમસની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં દિવ્યાંગ બાળકોને મળી આનંદની લાગણી અનુભવી હતી અને બાળકો સાથે કેક કાપી અને ગિફ્ટ સાથે ક્રિસમસની ઉજવણી કરી હતી. હલો, હમ લોગ બાલાજી ગ્રુપ ઓફ ટ્યુશન સે હૈ. હર્ષા મેમ, ફોરમ મેમ, પારુલ મેમ, રોહન સર એન્ડ રોય સર, હમ સબ મિલકે યે ચાહતે થે કે યે બચ્ચો કો હમ લોગ સબ આએ ઓર ઇસ તરીકે સે ઉનકે સાથ ટાઈમ બિતાએ. તો હમકો બહોત હી અચ્છા લગા. હમારી એક સ્ટુડન્ટ હૈ કશિશ પટેલ, જિસને યે સજેસ્ટ કિયા કે હમ લોગ ઇસ તરીકે સે યે સ્કૂલ મેં આએ ઓર યે બચ્ચો કે સાથ ટાઈમ બિતાએ. તો હમકો તો બહોત હી અચ્છા લગા, વી આર સ્પીચલેસ. બટ હમારે જો સ્ટુડન્ટ સાથ મેં આએ હૈ, દે હેવ રિયલાઇઝ, દે હેવ લર્ન્ડ અ લોટ. મતલબ વી આર ફિલ્ડ વિથ ઇમોશન્સ, વી ફીલ સો હેપી એન્ડ વી ફીલ સો ગ્લેડ અબાઉટ વોટ વી હેવ ગોટ એન્ડ વોટ આર સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ડન ટુડે. થેન્ક યુ સો મચ. યે સ્કૂલ બહોત અચ્છા કામ કર રહી હૈ, ઇન બચ્ચો કો એડ્યુકેશન દે કે ઇસી તરીકે સે કરતે રહે. કોન સા બચ્ચા આગે ચલ કે ક્યા નિકલ સકતા હૈ, વો મિરેક્યુલસ હૈ. તો વી વિશ ઓલ આર સ્ટુડન્ટ્સ હમ્બલ બ્લેસિંગ્સ ફ્રોમ આર હાર્ટ, ફ્રોમ ઓલ આર સ્ટુડન્ટ્સ, એન્ડ યસ, બેસ્ટ વિશિસ ટુ એવરી વન.
बहुत बहुत ज़्यादा खुश है कि हमें यहाँ आने का चांस मिला एंड स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स इतने शॉर्ट नोटिस पे, हमें नहीं पता था सब इतना अच्छे से रेडी होके, सो मैनी गिफ्ट्स एंड केक्स एंड एवरीथिंग, और यहाँ आके पता चलता है कि ये सब के सामने इनकी खुशियाँ इज़ प्राइसलेस। मतलब जब हमने देखा ये बच्चे इतना अच्छे से खुश है अपनी लाइफ को लेके, उसके हमने हमें ऐसा लगता है कि क्या हमें तो कितना कुछ मिला है रियल में मैम। और सारे जो बच्चे थे ना, उनके अंदर से एक वाइब था, मतलब जैसे ही उनके पास जाते थे वो इतने खुश हो जाते थे। एंड हमें लगता है कि हम लाइफ से कितना कंप्लेन करते रहते हैं, हमें इतनी शिकायतें होती, इतनी कंप्लेंस होती है, बट ये लोग इतने खुश थे बस एक मफिन से, एक चॉकलेट से, एक छोटे से गिफ्ट से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे, एंड खाली क्रिसमस ही नहीं, हर एक चीज़ हम बहुत ही खुशी से मनाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर वेरी हैप्पी। मेरा नाम मयंक है, मैं बालाजी ग्रुप ऑफ ट्यूशन से हूँ। हमारे ट्यूशन से मेरा एक रेगुलरली इस टाइप से हम लोग आउटिंग्स करते रहे, जैसे कभी पिकनिक करते हैं, कभी प्लांटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, कभी जैसे यहाँ पे आए हुए हैं। तो लाइक बहुत एक ब्लेस लगता है कि हाँ भाई, हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट से हैं जहाँ पे हम लोग को अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखने को मिलता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे, तो लाइक एक दिन पहले जब हमें बताया तब से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए। और जब यहाँ पे आए तब यहाँ का एक्सपीरियंस वॉज सो अमेजिंग, द वे दे डांस, हम लोग जब उनके पास गए, उनसे हैंडशेक किया, हाईफाई किया, तब जो उनकी हैप्पीनेस थी, लाइक इट वॉज सो प्राइसलेस कि हमें लाइक आगे कहीं पे हम कितना भी अर्न कर ले वो वाली खुशी हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। सो इट वॉज सच अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज हम लोग डिसेबल्ड वेलफेयर स्कूल ऑफ इंडिया में आए हैं और यहाँ पे हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है इन लोग के साथ, तो हमें इतनी मजा आई कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उन मतलब किसी से पूछो तो वो बोलते हैं कि हमें पीएम बनना है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। मतलब वो लोग ऐसा नहीं करते कि जैसे हमें कोई खामी है तो हम नहीं कर सकते, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है और उनकी सोच भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग उनको मतलब खुश करना चाहते थे ताकि उन लोग का ऐसा ना लगे कि मतलब हम दूसरों से अलग है, और हमें सबको ऐसा ही करना चाहिए। ये वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेट कर रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी देती है और सबको मौका भी देती है कि यहाँ पे आए, सेलिब्रेट करे, डोनेट करे, तो बहुत अच्छा है। स्कूल से भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोग ने सब स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स दिए, केक कटिंग की, उन्हें प्रेजेंट दिया, तो वो बहुत खुश थे। और थैंक